दोस्तों हमारे चैनल घरेलू नुस्खे को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों अक्सर सर्दी में लोगों को उंगलियों में सूजन की शिकायत हो जाती है। उंगलियां सूजने के साथ लाल हो जाती है, खुजली और जलन भी होती है। कई बार तो दिक्कत इतनी बढ़ जाती है कि जूते पहनने में भी दिक्कत होने लगती है। आप भी इस समस्या से परेशान रहते हैं तो ये कुछ घरेलू उपाय आपके काम आ सकते हैं। आइए जानते हैं पैरों की उंगलियों में सूजन दूर करने के उपाय के बारे में। दोस्तों पैरों की सूजन और लालिमा दूर करने के लिए सबसे अच्छा और सस्ता उपाय है गुनगुने पानी में नमक डालकर सिकाई करना। आप आधी बाल्टी गर्म पानी में सेंधा नमक मिलाएं और उसमें पैर डालकर कम से कम 20 से 25 मिनट तक रखें। इससे सूजन और दर्द से काफ़ी राहत मिलेगी। हल्दी और शहद का इस्तेमाल भी इस समस्या को दूर करने में कारगर साबित हो सकता है। हल्दी में एंटी बैक्टीरियल एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, ये सूजन को कम करने में मदद करता है। एक चम्मच शहद में दो चुटकी हल्दी मिलाकर पेस्ट तैयार करें और प्रभावित क्षेत्र में लगाएं। दोस्तों सरसों के तेल में काली मिर्च पाउडर मिलाकर प्रभावित हिस्से पर मालिश करने से भी दर्द और सूजन में काफ़ी आराम मिलता है। लहसुन का तेल भी इस समस्या में फायदेमंद साबित हो सकता है। आप सरसों का तेल ले लें और इसमें 5 से 6 लहसुन की कलियां डालकर गर्म कर लें। जब लहसुन ठीक से पक जाए तो तेल को ठंडा कर लें। अब गुनगुने तेल को हल्के हाथों से प्रभावित जगह पर लगाएं, इससे भी आराम मिल सकता है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।